पढ़ेंगे किसके बारे में? आप सबने बहुत सुना होगा, न्यूज में देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा है? कोरोना के बारे में सुना है? कोरोना कहाँ से आया हुआ वायरस है? ये एक ऐसा वायरस है जिसकी अभी तक दवा नहीं बन पाई है। इससे जो नुकसान है वो क्यों हो रहा है? जो लोग मर रहे हैं इसकी चपेट में आके क्यों मर रहे हैं शिवम? क्योंकि इसकी दवा कॉन्टैक्ट में आए हैं। अगर मान लो इस जगह पे वायरस है और 48 घंटे तक इस जगह को कहीं किसी ने नहीं छुआ तो वायरस वहीं पे खत्म हो जाएगा, वहीं पे मर जाएगा, ठीक है। इस समय चूंकि जैसे मौसम चल रहा है, ठंडा मौसम है बहुत ज्यादा, हाई टेम्परेचर पे भी ये मर जाएगा, लेकिन अभी बहुत लो टेम्परेचर था, बहुत कम तापमान है, इस समय भूख हो जाया करती थी, गर्मी पसीना हुआ करता था, ठंडी से भी ज्यादा ये हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रकृति भी हमारा साथ नहीं दे रही है, लेकिन हम अपना साथ तो दे सकते हैं ना। हम क्या कर सकते हैं? हम सफाई कर सकते हैं। जब भी कभी भी कहीं बाहर से आइए तो क्या करेंगे? नमस्ते। नमस्ते करेंगे। कोई बाहर से आया है, मामा चाचा गोवा दिल्ली में सबके रहते होंगे किसी किसी के, तो वो आए तो उन्हें नमस्ते करेंगे। ये नहीं कि मामा आए तो गोद में जाके बैठ गए, पहले मामा जाइए आप हाथ धोइए और फिर हम आपसे मिलेंगे, लेकिन क्या करेंगे? सिर्फ नमस्ते करेंगे, ठीक है। आप जो है तीन तीन चार चार घंटे पे अपने हाथों को धोएंगे। धोने के लिए कभी भी रुके हुए पानी, यानी कि जो आप नहर में कभी हाथ धो लेते हैं या टब में धो लेते हैं या बाल्टी में रखे हुए पानी से हाथ धोते हैं, वो नहीं चलेगा। पानी बहता हुआ होना चाहिए, यानी कि नल के नीचे साबुन लगा के हाथ अच्छे से धोएंगे या फिर हैंडपंप के नीचे धोएंगे या समरसेबल का पानी आ रहा है तो उससे हाथ धोएंगे, लेकिन चलते हुए बहते हुए पानी से हाथ धोएंगे। बात समझ आया? खराब में तुमने गंदगी सब की, उसमें साबुन लगा के सारा गंदगी उसमें छोड़ा, उसकी गंदगी तुमने अपने हाथ में ले ली, तो क्या ये सफाई हुई? सफाई ये नहीं हुई ना शिवम, सफाई ये हुई नहीं हुई ना, क्या बातें हो रही है। तो हम क्या करेंगे? बहते हुए पानी से हाथ धोलेंगे। दूसरी चीज, आंख नाक मुंह कान, इन सब जगहों पे हाथ लगाते समय हम ध्यान देंगे कि हाथ हमारे साफ है या नहीं। जो दिन पर तुम लोग नाक मुंडी करते हो, आप मूछते रहते हो, वो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये वायरस जो है वो हथेली में लगने से ज्यादा नहीं हो रहा है। वो कब हो रहा है? जब हम बिना हाथ धुले आंखों में नाक में कान में या मुंह में हाथ अपना डालते हैं, इन्हीं चार जगहों से ये वायरस हमारे शरीर के अंदर एंट्री कर जाता है, हमारे शरीर के अंदर आ जाता है और हमें नुकसान पहुंचा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि जब छींक या खांसी आएगी तो हम क्या करेंगे? मुंह ढकेंगे किसी कपड़े से, अगर कपड़ा नहीं है तो डायरेक्ट अपने हाथों से या इस तरह से मुंह ढक के ही खांसी या छींक करेंगे। तीसरी चीज, जब भी बुखार सर दर्द या बदन दर्द या छींक और खांसी किसी की थोड़ा लंबी चले तो उसको हम इग्नोर नहीं करेंगे, उसमें हम लापरवाही नहीं करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास उसकी जांच करवाएंगे, ताकि हमें ये वायरस कहीं ऐसा तो नहीं कि पकड़ लिया हो, ठीक है। इसके लक्षण ही है, खांसी आती है, छींक आती है, सर दर्द होता है, उल्टी होती है और क्या होता है फिर मृत्यु, क्योंकि इसका कोई इलाज संभव अभी नहीं हो पाया है। आई बात, किसी को कोई दिक्कत? भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाएंगे, सबसे बड़ी चीज, जहाँ पे अधिक लोग इकट्ठा हो वहाँ नहीं जाएंगे, जैसे किसी मेले में मार्केट में जहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है, ठीक है, या फिर संगम उंगम आप लोग घूमने जाते हैं, ऐसे मंदिर जैसे मैहर वगैरह लोग दर्शन करने जाते हैं, वहाँ बहुत भीड़ होती है, छोटे मोटे मंदिर में तो नहीं होती है,
लेकिन बड़े मंदिरों में बहुत भीड़ हुआ करती है, तो वहां भी जब तक इसकी बीमारी का इलाज नहीं होता, हम ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से क्या करेंगे, बचेंगे। आई बात समझ में?